नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। गोंडा जिले के भावपुर ग्राम सभा के विकास के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे प्रधान प्रतिनिधि। विकास और सहयोग ही हमारी प्राथमिकता। बताते चले कि जनपद गोंडा के विकास खंड बबनजोत के ग्राम सभा भावपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि काजी इंतखाब अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अधूरा कार्य को पूरा करवाना व जनता के बीच रहकर सहयोग और विकास करना ही मेरी प्राथमिकता है। ग्राम सभा में सड़क, आवास, नाले, पेंशन सहित जो भी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्राप्त बजट से गांव का विकास कार्य कराएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? काजी इंतखाब अहमद उर्फ बादशाह। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत भावपुर जी। आप इस ग्राम सभा के क्या है? प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान कौन है? हिना फातिमा मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में जो खरंजा है ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सुधार करेंगे। अब जो है खरंजा है, नाली है और तमाम सारी रोडें जो है कच्चा काम कराना है, मनरेगा का उस पर काम कराया जाएगा। जो जैसे कि मतदाता ने आपको प्रधान बना दिया, तो आपका जो उद्देश्य है, प्राथमिकता है, वो क्या रहेगा? अब मतदाता ने मुझे प्रधान बनाया है तो मेरी प्राथमिकता यह है कि मतदाता के साथ मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से खरा उतरूँ। प्राथमिकता यह है कि गांव में जो है तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे खड़ंजे की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं और जो है आवास वगैरह और पेंशन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ये सब दूर किया जाएगा। जैसा कि आजकल COVID-19 चल रहा है, तो वैक्सीनेशन आपके यहाँ लगा? वैक्सीनेशन हो गया है, लगभग 120 के आसपास हुआ है और बाकी अगली प्रयास किया जाएगा, फिर कराया जाएगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से यही कहेंगे कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा रूप लोग कराएं, इसमें जो है बीमारी से बचें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।